वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। किचन एंड शेफ राहिला मेरे साथ और डिश का नाम है मुगलाई पुलाव। यस, मुगले आजम के दौर की होगी शायद, इसीलिए इसका नाम मुगल इसीलिए रखा जी, बिल्कुल। और बिल्कुल कम मसालों में बनाई जाती है ये तो अच्छा है, एसिडिटी भी नहीं होगी ना। और ये ना ज्यादा स्पाइसी होती है और ना ही ज्यादा फीका होता है। एक बार फिर हम इसके इंग्रेडिएंट्स रिपीट करते हैं, जब तक ये जो हल्के से फ्राइज जो है वो उनको येलोश बिल्कुल लाइट हल्के से जस पिंकिश इसको ब्राउन कर रहे हैं वो भी बन रहे हैं। इसमें चिकन ऐड होगी, हाफ के जी चिकन है, गरम मसाला है जिसमें जीरा है, जीरा लौंग है, लौंग दालचीनी, दालचीनी और काली मिर्च, ठीक है जी। ये है साबुत मिर्चें ऐड हो रही हैं और इसके अंदर करी पत्ता है, हरी मिर्चें हैं एज टेस्ट फॉर नमक, और अदरक लहसुन, अदरक लहसुन, ग्रीन मिर्च और हरी मिर्च, और हरी मिर्च और प्याज, प्याज इसका पेस्ट, चार चीजों का पेस्ट बना लिया पहले से ही, बड़ा प्यारा हरी मिर्चों का कलर भी आ रहा है, प्याज और लहसुन अदरक। अच्छा, एक इन्होंने स्पेशल कुछ मसाला बनाया जिसमें क्या क्या डाल रहे हैं? जायफल, जावित्री, ओके, और सफेद जीरा है, साबुत धनिया है जिसे हमने हल्का सा रोस्ट करके किया है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ब्लैक पेपर है, और एक होती है बड़ी इलायची और छोटी इलायची, उसको कुचल कर, बस जबरदस्त इन्होंने ग्रैंड किया। और ये वो है जो गार्निशिंग के लिए, जो अंडे इन्होंने एग उबाल दिया है, किशमिश एंड अगवानी पुलाव की खास अट्रैक्शन, ऑयल एंड ब्राउन इन्होंने पहले से एक जो मैं खा भी रही हूँ ब्राउन प्याज किया हुआ है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे घर में इन्होंने, इनके ऑर्डर्स वगैरह बहुत आते हैं, हम जब भी किसी को ऐसे पर्सन को अप्रोच करते हैं उसके टैलेंट की बिहाफ पे करते हैं, तो ये जो है बेहतरीन राहिला जो है वो अक्सर मुझे जब भी गुफ्तगू होती है तो देन मुझे यही बता रही होती है कि आज मेरे ये ऑर्डर, मैंने बिरयानी के ऑर्डर दिए, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, तो इनके हाथों का एक अलग ही मज़ा होता है। ये एक प्रोफेशनली शेफ है मैं ये कहूँगी, और बेहतरीन इनके खाने जो हैं ऑनलाइन जाते हैं। किस नाम से आपकी फेसबुक आईडी प्रेजेंट? फेसबुक आईडी है मेरी राहिला सदरू, राहिला सदरू के साथ है, मेरा कोई पेज नहीं है मगर व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे आगे सोच रखते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, बंदी इतनी बिजी रहती है, पेज बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेट्स सी, अब बनाएंगे, अब बनाएंगे, अब बनाएंगे इंशाल्लाह। राहिला, शेफ राहिला के नाम से इनको मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि देखें अब इतनी बिजी होती हैं तो इनको जरूरत ही नहीं पड़ रही कि ये करें, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, वाह। अच्छा जी, ये हो गया है, इन्होंने कहा हल्के से इनको थोड़े से, क्योंकि फिर बिरयानी के दम में शायद हो जाएंगे जी, और कुछ हम बाहर निकाल लेंगे और कुछ ही अंदर ही रहेंगे। नहीं बहन, बहुत अच्छा बना लेती, मैं बैठे बैठे फ्रेंच फ्राइज खा लेती, क्या बेहतरीन काम हो जाता। अगर वो रुक जाएंगे तो फिर अफगानी पुलाव, सॉरी मुगलाई पुलाव। अच्छा, वो उस वक्त के जो बादशाह हैं वो मुगले आजम के दौर के, या मुगले आजम क्यों कहते हैं, बादशाह ही दौर होता है कुछ तो, सभी का होता है कम कहीं में। चले जी, हम भी थोड़ा सा अपना नाम रोशन कर लें, और थोड़ा सा स्पून जी, नहीं नहीं मैं नहीं कर रही है, सारा गिर जाएगा। ओके, अच्छा इन्होंने इसको थोड़े से फ्राइज हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक, जो कि हमें सिर्फ और हम जैसे लोगों के लिए हल्के कच्चे छोड़ने जरूरी, वरना ये जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, खा खा के ही जो है ना वो ख़त्म कर देंगे, इसीलिए मैंने अंदर ही रहने दिए, ऊपर से कवर भी कर दिया उन्होंने, मुझे बताया नहीं कि यार ये ऐसा है। अच्छा जी नाज़िम, मैं कुछ चीज़ें इसमें देख रही हूँ, जैसे करी पत्ता, तो ऑफकोर्स मैं आपा की तरफ भी, जब तक ये निकल रहे हैं, और जैसे अंगूर खुश्क होके किशमिश बन जाते हैं, आपा ओवर टू यू, क्या कहेंगे हम लोग इंग्रेडिएंट्स में इस तरह के लवाजमात इस्तेमाल करें कि नहीं? बालों में लगाने से भी कड़ी पत्ता बालों में या तो पीस कर लगाए मेहंदी के साथ, या किसी भी तेल में पका कर, अगर कड़ी पत्ते वाला तेल आप अपने बालों में लगाएं तो बालों को कुदरती तौर पर वो सियाह करता है, बाल गिरने से रुक बच जाते हैं, धीरे धीरे बालों की लंबाई भी बढ़ने लगती है, यानी आपको खाने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद तो है ही, हाजिम कर दे, खाने को हाजिम कर देता है और अरोमा फराहम करता है, और इसके साथ ही लगाने में आपके बालों के लिए भी बहुत ही ताकतवर होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सिर्फ खाते हैं, अब जैसे आलू है, आलू का पानी वाइटनिंग के लिए बेहतरीन है, अब हम जब खाते हैं पोटैटो को, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है,
बहुत इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर कच्चे आलू का पानी निकाल कर स्किन पर लगाएं तो उससे पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है। प्याज का इस्तेमाल है, प्याज बालों के लिए एक टॉनिक है, अच्छा। ग्रोथ के लिए कमाल करती है हमारे बालों में। अगर खाली गजपन पर प्याज का अर्क लगाया जाए तो क्या बात है। अच्छा, आपने साथ साथ प्याज का भी बताया, आलू का भी बताया, हम आपको जरा डिश की तरफ चलते हैं। जब प्याज आलू हो गए थे तो आपने डाले ये गरम मसाला, सबसे पहले ऐड किया, फिर उन्होंने हरी मिर्च एंड करी पत्ता डाला, अभी चिकन डाला, फिर चिकन सिर्फ 2 से 5 मिनट हम अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर बस डायरेक्ट चावल का पानी डालकर हम डायरेक्ट चावल डाल देंगे। अच्छा, ये झटपट 20 मिनट में पुलाव रेडी हो जाता है। मकई बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा, इसके अंदर सब ऐसी चीजें डाली है। अच्छा, इसमें दूसरी वाली हरी मिर्च डाली है, जिसको दिल करे तो वो खाए, अदरवाइज इतनी ज्यादा स्पाइस का इस्तेमाल नहीं किया गया। यूं भी होता है ना कि कुछ लोग ज्यादा मिर्चों को पसंद नहीं करते। लास्ट में हम डालेंगे ये रेड वाली चिली और नमक, जिसको यूज करना हो तो जिसे दिल चाहे वो खाए, बच्चों को नहीं देना चाह रहे तो आप साइड निकाल दें। ऑफ कोर्स ऐसे ये बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले ये तमाम चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कैमरे पे आप देख भी रहे थे कि किस तरीके से पहले गर्म मसाला ऐड कर लिया, देन फिर करी पत्ता एंड हरी मिर्चें, और देन फिर उसके बाद जो चार चीजें थी, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और प्याज को जो पेस्ट है वो ऐड कर लिया। अब क्या डाल रहे हैं? अब सिर्फ हम 4 से 5 ही वाले दाने, ठीक ठीक दाने डालेंगे ताकि ज़्यादा तेज ना हो जाए, क्योंकि मुगलई पुलाव बिल्कुल भी तेज नहीं होता, नॉर्मल स्पाइस होता है। और हसबे जायका, बिल्कुल हसबे जायका नमक डालेंगे, ठीक है, हसबे जायका नमक डाल रहे हैं हम लोग, दैट्स गुड। अब इसको, अच्छा ये भी आपने डाल दिया था, ये हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि इससे हमारे जो चावल नहीं, हमारे जो राइस है ना, इसकी बहुत अच्छी इसमें खुशबू आएगी। ठीक, जब हम दम रखेंगे चावल को, जब बहुत इसके अच्छे से खुशबू। एक स्पून पहले डाल देते जब ऑयल जैसे हुआ था, उसके बाद एंड में डालेंगे, ठीक है। आपने देखा था नाजी, जब ये स्टार्ट आपस से हम चले गए थे तो ऑफकोर्स ये एक स्पून सिर्फ इन्होंने, जैसे बहुत कम ऑयल में ये फूड बन रहा है, ताकि हेल्दी भी है और नुकसानदेह भी। क्या बात है, बचत भी है, मैं सब समझ रही हूँ राहिल। आजकल की जो महंगाई चल रही है उसके लिए बचत, इसके लिए बचत भी बहुत जरूरी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है इन्होंने कि आजकल जो महंगाई है उसके हिसाब से तो ये अच्छा। इसको अभी हम पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। ओके, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर, यस। और इसे कितनी देर छोड़ देंगे? अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट 2 से 3 मिनट। अच्छा जी, हम आलू पे बात करते हैं, बच्चों को फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद होते हैं, लेकिन आलू के रस का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? और आज वैसे भी ये हेल्दी टॉपिक स्किन का था, टाइटनिंग, वाइटनिंग एंड ग्लोइंग, तो हम ये सोच रहे हैं कि इसके अर्क से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। जी आप क्या कहती हैं? आप जी हाँ, जो कच्चे आलू का रस है वो वाइटनिंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, स्किन को फौरन वाइट कर देता है। जिन लोगों को झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, डिसकलरेशन हो गई है, अपना रंग साफ करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि कच्चा आलू छील कर और उसका रस निकाल लें, या अगर रस ना निकालना चाहे तो कच्चे आलू के 2 टुकड़े कर लें और उसको गोथ लें कांटे के साथ या छुरी के साथ, तो वो उसका अर्क ऊपर आना शुरू हो जाएगा। दोनों हाथों से अपने चेहरे पर दोनों टुकड़ों से मसाज करें और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद सादे पानी से धो लें। पहली बार में पता चलेगा कि स्किन बहुत तेज़ी के साथ वाइटनिंग की तरफ आना शुरू हो गई है। बहुत ही फ़ायदेमंद है स्किन के लिए, और जो लोग किचन से ही फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो वाइटनिंग के लिए आलू का इस्तेमाल करें और टाइटनिंग के लिए टमाटर का इस्तेमाल करें। जिन लोगों के चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन लूज़ हो जाती है, तो उनको चाहिए कि ऐसे ही टमाटर साबुत लेकर 2 टुकड़े करें और इसी तरह गोथ लें और उस पर हल्का सा शहद लगा लें और आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलर मूवमेंट में अपने चेहरे पर टमाटर का मसाज करते रहें, उनके डार्क सर्कल भी ख़त्म होंगे, रिंकल्स भी ख़त्म होंगे और स्किन अपलिफ्ट होना शुरू हो जाए। क्या बात है, वो नॉलेज हमें मिल रही है जो हम लोगों ने पहले कभी भी नहीं ली, नहीं मिलती हम लोगों को, और हमारे पास चीज़ें होती हैं और हमें नहीं मालूम होता। यस, 2 मिनट हो गए हमारी गुफ्तगू में और 2 मिनट में इसके अंदर हाँ क्या प्यारी सी स्टीम कड़ी पत्ते की आपा कसम से दबाकुन खुशबू आ रही है। यस, अच्छा जी, अब हम लोगों ने पानी ऐड करना है, राइस डालने, आप बिल्कुल राइस डालेंगे। यस, हम लोगों ने पानी डालना है या पहले राइस डालना? नहीं नहीं, पानी डालेगा पहले, पानी ऐड होगा। यस, ये लीजिए पानी, और दो और चाहिए? यस, ये लीजिए। और इसमें
थोड़ा क्वांटिटी में जैसे जरूरत के मुताबिक, डेढ़ कप पानी मैक्सिमम। ठीक, अच्छा कितनी बार सोक किया हुआ था, कितनी देर से भिगोया था हमने? कम अवेश 15 टू 20 मिनट। इसे भी यूज करना है जी? नहीं, थोड़ा सा पानी बॉइल हो जाए, बॉइल आ जाए, लाइट फ्लेम आप वो कर दें, जरा इसकी तेज कर दें। तेज करूंगी, ठीक है। इसमें पहले मैं थोड़ा सा मसाला डाल दूं। अच्छा, थोड़ा ये भी वाला जो मसाला, जायफल, जावत्री और सफेद जीरा, साबुत धनिया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची का जो पाउडर हमने बनाया हुआ है, बड़ी प्यारी सी खुशबू, और इसके अंदर बादाम का पाउडर भी है। यार ये बंदे होशियारियाँ, पता क्या करती हैं, ये लोग बताते नहीं, हम बताएं। रेगुलर को नज़र रही है ये कुछ लोग अपने जो स्पेशल शेफ होते हैं ना प्रोफेशनली, इनकी टिप्स होती हैं बड़ी ज़बरदस्त, और ये ट्रिक्स होती हैं। नहीं नहीं, अच्छी बात है। आप और चावल के हिसाब का अब हम लोग नमक भी डाल देंगे साथ में, ठीक है, सिर्फ 1 टेबल स्पून, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं इसके अंदर नमक। यस यस यस, गुड, बेहतरीन। थोड़ा मज़ीद 2 मिनट जी, पानी को जोश आएगा जब हम 1 से 2 टेबल स्पून और ऑयल डालेंगे, ताकि अच्छे से दम पे डालेंगे। उससे पहले दम पे डालेंगे, उस वक्त डालेंगे। अच्छा, अब इसको राइस को कितनी देर में डालना है? 2 मिनट बाद, बस 2 मिनट बाद पानी को जैसे ही जोश आएगा हम फौरन डाल देंगे। अच्छा, जैसे ही पानी मेरे ख्याल में आ रहा है, देखें फ्लेम तेज की। यस, अच्छा जी, मैं नाज़रीन एक नज़र ये देखिए, आप आया जोश, जरा सा देखिएगा नाज़रीन, इसको स्क्रीन पर भी देखें। मुझे फौरन इसकी फ्लेम, असल में ग्लैम गैस की बहुत फास्ट है, आपको अंदाज़ा नहीं हुआ, देखिए कितनी जल्दी है। ग्लैम गैस की आँच भी बहुत तेज़ है, मगर जो ये ब्लू कलर आ रहा है इसका, तो उससे ना ही माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी फूड बन जाता है। वही मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा ये कह रही है, मेरे अंदर से बॉयल आना शुरू हो गया है, बहुत स्पीड से माशाल्लाह से बन रहा है फूड इसके अंदर, और बार बार रह गया क्योंकि आज फर्स्ट टाइम है, तो उसको फ्लेम को स्लो कर रही है कि वो जल्दी से हीटनेस हो जाती है। अभी समझने की कोशिश कर रही है कि यार ये कितनी जल्दी क्विकली काम हमारा मुझे दे रहा है। यस, इंशा सीख जाएंगे, सीख जाएंगे। खास करके यार कलर भी देखो यार कितना जबरदस्त, मुझे बहुत शौक है कि वाइट ही चावल नजर आए और बड़ी टेस्टी, और ये वाइट ही रहेंगे, वाइट पुलाव की टाइप का ही होता है मुगलई पुलाव, जब हम गार्निश करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि उसमें रेड अनियन वगैरह और जाती है फ्राई की। ठीक है जी, अच्छा ये आखिर में ये चीजें डालेंगी? बिल्कुल, जब हम डिश आउट करेंगे देन उसके बाद। अच्छा, अब इसको हमने दम पे रखना है? नहीं, अभी इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, इसके बाद हम दम पे रखेंगे। ठीक है जी, हम लोग फिर वेट करें आपकी डिश का जी, और हम लोग ब्रेक की तरफ। थैंक यू सो मच, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल क्या बनाओगी? कल इंशाल्लाह कोई सरप्राइज है, सरप्राइज है, बता नहीं रही है। चलें कोई बात नहीं, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।